नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार। मंच पर साथ नजर आए शरद पवार और अजीत पवार। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित समारोह में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इसे अविस्मरणीय क्षण बताते हुए कहा कि जिनके नाम में गंगाधर हो उनके नाम पर दी गई राशि को गंगा जी को समर्पित कर दिया है। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की आजादी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। अंग्रेजों ने धारणा बनाई थी कि भारत की आस्था, संस्कृति, मान्यताएं ये सब पिछड़ेपन का प्रतीक है, लेकिन तिलक जी ने इसे गलत साबित किया। लोकमान्य तिलक ने टीम स्पिरिट, सहभाग और सहयोग के अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किए। समारोह में विशेष रूप से एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आदि उपस्थित रहे। सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 8 अगस्त से होगी चर्चा। 10 को पीएम मोदी देंगे जवाब। विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में 8 अगस्त से 10 अगस्त तक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। दरअसल विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इसी को लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है, जिससे सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे। संसद में सरकार के पास बहुमत है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव से कोई परेशानी नहीं होगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की ओर से सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया था। सुबह 4 बजे अचानक अजातपुर सब्जी मंडी पहुंचे राहुल गांधी, व्यापारियों से पूछी समस्याएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह करीब 4 बजे अचानक अजातपुर सब्जी मंडी पहुंचे और सब्जी विक्रेताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। राहुल गांधी जैसे ही सब्जी मंडी पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ लग गई। राहुल गांधी ने सब्जियों और फलों के बढ़ते दामों को लेकर विक्रेताओं से वार्ता की। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी अजातपुर सब्जी मंडी से व्यापारियों से वार्ता करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में किसानों से मुलाकात करते, ट्रैक्टर चलाते किसानों के साथ खाना खाते दिखाई दिए थे। इसके अलावा दिल्ली के करोड़ बाग में बाइक मैकेनिकों के साथ बातचीत की थी और बाइक रिपेयर करते नजर आए थे। हरियाणा के गृह मंत्री बोले, नूह सोना में हालात नियंत्रण में, अर्धसैनिक बल तैनात। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह, सोना और आसपास के जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं और 6 कंपनियां जल्द पहुंचेंगी। फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, हालांकि इन जिलों में धारा 144 लगाई गई है। गृह मंत्री ने कहा कि नूह में ADG मौके पर है, नूह में हुई हिंसा का कोई मास्टरमाइंड है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिसने भी ये षड्यंत्र किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अनिल विज ने कहा कि ये हिंसा ऐसे तो नहीं हो सकती, ये अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं है। नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि दोनों समुदाय लंबे समय से नूह में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, इस हिंसा के पीछे साजिश है। जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली हैं, उससे लगता है कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हम विस्तृत जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ठाणे में बड़ा हादसा, गर्डर मशीन गिरने से 17 लोगों की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में शाहपुर के पास बड़ा हादसा हुआ है। पुल निर्माण के दौरान गर्डर मशीन और स्लैब गिरने से उसके नीचे दबकर 17 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इस गर्डर मशीन का इस्तेमाल समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण में किया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर NDRF की 2 टीमें पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। बताया जाता है कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय न होने के कारण हादसे में मजदूरों की जान गई है। यहां गर्डर मशीन को जोड़ने वाली क्रेन और स्लैब 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिससे बड़ा हादसा हो गया। मशीन का उपयोग राजमार्ग और हाई स्पीड रेल, पुल निर्माण में प्रीकास्ट बॉक्स गर्डर स्थापित करने के लिए किया जाता है। मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाला बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है।
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, अजरबैजान से लाया गया सिद्धू मूसेवाला का हत्यारोपी सचिन बिश्नोई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन को अजरबैजान के बाकू से भारत लाया गया है। सचिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा है। वह मूसेवाला की हत्या के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत छोड़कर भाग गया था। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ मुख्य आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से लेकर भारत आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सचिन के खिलाफ करीब 12 मामले चल रहे हैं। सचिन बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट में मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि यह उसके भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला है। युवा अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की अगस्त 2021 में मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आसमान में आज दिखाई देगा सुपर मून, पृथ्वी के सबसे नजदीक आएगा चांद। आज आसमान में सुपर मून नजर आएगा। इसमें चांद आम तौर पर ज्यादा बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। जब चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए एकदम नजदीक आ जाता है और उस दिन पूर्णिमा भी, तो सुपर मून दिखता है। सुपर मून पूर्णिमा के बाकी चांद से लगभग 8% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। आज चांद पृथ्वी से 357,530 किलोमीटर दूर होगा। पृथ्वी से चांद की दूरी 3.6 लाख से 4 लाख किलोमीटर तक बदलती रहती है। इस बार अगस्त महीने में 2 सुपर मून दिखाई देंगे। अर्थ स्काई वेबसाइट के अनुसार इस साल 4 ऐसे मौके आएंगे जब चांद पृथ्वी के करीब होगा और पूर्णिमा भी रहेगी। इनमें से पहला सुपर मून 2 से 3 जुलाई को देखा गया था और दूसरा मौका आज आया है। इसके बाद तीसरा सुपर मून 30 से 31 अगस्त को देखने को मिलेगा और इस साल का आखिरी सुपर मून 28 और 29 अगस्त को दिखेगा। सुपर मून नाम 1989 में खगोल विद रिचर्ड नोल ने दिया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।